हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये मंचूरियन बॉल्स। ये देखिए कितनी टेस्टी मंचूरियन बॉल बनकर रेडी हुई है। तो आप भी इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, तो आइए हम देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये पत्ता गोभी लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के 1.5 पत्ता गोभी लिया है मैंने। ये देखिए, इसे अच्छे से साफ़ करके इसे धुलकर हम इसे काट लिए हैं। और यहाँ पर हमने एक चॉपर लिया हुआ है। तो ये देखिए, हमने इसमें ऐसे पत्ता गोभी डाल देना है। देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा डालें और इसी का ढक्कन लगा कर, ये देखिए, और इसे इस तरह से ऐसे चॉप कर लेना है। ये देखिए, इसका ढक्कन हटाएंगे और इसको देखिए कितना फाइन और बारीक पेस्ट इसका वो बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, हमने इसे बहुत फाइन चॉप किया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा बड़ा बड़ा भी चॉप कर सकते हैं। ये देखिए कितना फाइन है, ये आप अपने हिसाब से इसे चॉप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, बड़ा बर्तन, उसमें ये पत्ता गोभी डाल दी है और एक चम्मच नमक डाल दी हमने। ये देखिए, गरम मसाला है, ये एक चम्मच हमने गरम मसाला डालना है इसमें। ये देखिए, एक चम्मच गरम मसाला, और यहाँ पर हमने लिए हैं एक चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर है। ये देखिए, लाल मिर्ची का पाउडर इसमें डालेंगे और यहाँ पे अदरक लहसुन ऐसे कूट कर लेना है हमें। इसे पेस्ट में उतना टेस्ट नहीं आता है जितना ये कूटा हुआ अदरक और लहसुन में टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी कॉर्नफ्लोर लिया है और एक कटोरी ये मैदा है। ये देखिए, दोनों चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो ये देखिए, ऐसे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि ये अभी गीला है तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे बॉल बना कर देखें, इसका ये अच्छे से बॉल बन रहा है। तो ये आपका डो रेडी है मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक मंचूरियन बॉल्स बनाकर आपको दिखाए हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ बर्तन रख दिया है गैस पर, और बर्तन के गर्म होते हमने यहाँ पे तेल डाल दिया है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। तो हमें इसे छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इसमें डालते जाना है। ये देखिए, बॉल्स को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए, हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमें इसे दो बार फ्राई करना है। डबल फ्राई हमें चाहिए तब ये ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। ये देखिए, हम पहले बार इसे कम फ्राई करेंगे और दूसरी बार इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, तो एक बार ये फ्राई हो चुका है, इसमें हमने दोबारा फ्राई करके आपको दिखाए हैं। ये देखिए, दोबारा से ऐसे छोटी छोटी बॉल्स बनाकर इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमें सभी बॉल्स को ऐसे फ्राई करके ले लेना है। ये देखिए, हमने इसमें सभी बॉल्स को फ्राई कर लिए हैं और ये ठंडा हो गया है। तो हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे। अब इसे दोबारा हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे और पहली बार हमें इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि इसके अंदर की जो सब्जियाँ हैं अच्छे से पक जाएँ। ये देखिए, इसे हाई फ्लेम पर हमें 30 से 40 सेकंड तक इसे फ्राई कर लेना है और ये क्रिस्पी हो गया है। अब ये देखिए, गोल्डन भी हो गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। ये देखिए, तो हम सभी को फ्राई कर लिए हैं और यहाँ पे हमने ये मिर्च और ये शिमला मिर्च और ये लहसुन है और हरा प्याज, और हरे प्याज का ये व्हाइट पार्ट लिया हमने। तो यहाँ पर काली मिर्च को हमने कूट कर ले लिया है। तो यहाँ पर हम ये सबसे पहले ये लहसुन डाल देंगे। ये देखिए, तेल के गर्म होते ही हमने यहाँ पे लहसुन डाल दिया है और उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन को फ्राई करने के बाद हमने यहाँ पर प्याज डाल दिया है, प्याज का ये वाइट पार्ट है, इसे डाल देंगे। और ये मिर्च, शिमला मिर्च और मिर्च दोनों को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमें हाई फ्लेम पर करना है, सभी सब्जियों को सॉफ्ट होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। करीब 1 मिनट तक हमें सब्जियों को फ्राई कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने
काली मिर्च डाल दिया है और सोया सॉस, ये देखिए ऐसे मिक्स कर दें अच्छे से। और एक चम्मच नमक डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक चम्मच ये टमाटो सॉस लिया है, इसे भी एक चम्मच डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए तो ये फ्राई हो चुकी हैं सारी सब्ज़ियाँ। तो हम इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पर हमने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसका घोल बनाएंगे। ये देखिए इसे ऐसे अच्छे से घोल बना लेना है और इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कॉर्नफ्लोर का घोल डालते ही ये गाढ़ा होने लगता है। ये देखिए तो अब गाढ़ा हो चुका है। इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना है 1 से 1.5 मिनट तक और ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए ये गाढ़ा हो चुका है। तो हम इसमें थोड़ा सा ये हरा प्याज डाल देंगे, हरे प्याज का पत्ता डाल के हम इसमें ये सारे बॉल्स को डाल देंगे। ये देखिए और इसे अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो ये हमने तैयार किया हुए सारी सब्जियों का मिश्रण अच्छे से मिल जाए, हमारे सारे मंचूरियन बॉल्स में अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए इसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा ये मंचूरियन बॉल्स बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए तो आप भी इसे बनाइए और खाइए और हमें बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।